नेपाल में भारी बारिश के बीच शुक्रवार सुबह एक हाईवे पर लैंडस्लाइड के चलते दो बसें त्रिशूली नदी में गिर गई। बता दें कि घटना स्थल पर मौजूद अधिकारियों के मुताबिक दोनों बसों में चालकों सहित कुल 63 लोग थे। वहीं हादसे के बाद से करीब 60 लोग लापता हैं। वहीं नेपाली मीडिया हाउस काठमांडू पोस्ट के मुताबिक एक बस के ड्राइवर की मौत की पुष्टि हो गई है, जबकि दो लोगों ने बस से कूद कर जान बचाई। हादसा सेंट्रल नेपाल में मदन आश्रित हाईवे पर सुबह करीब 3:30 पर हुआ। वहीं लगातार बारिश और पानी के तेज बहाव के चलते सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है।